है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। खबर प्रमुख, क्या हुआ तेरा वादा, अंधेशकों से संबंधित बड़ी खबरें जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते तो सॉल्व कर सकते। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इटावा की रैली में अपनी घोषणा के बाद भी नहीं किया वादा पूरा, दिया तो सिर्फ 17,000 के बजाय मात्र 530 रुपए। अंधेशकों के बारे में गलत सूचना देकर किसने बदलवाया योगी जी का फैसला, अंधेशकों के हित वाला, बड़ी खबर। अनुदेशक संघ का बाराबंकी का अध्यक्ष हूँ और सर हम लोग बहुत उम्मीद और जो भरोसे से आए थे कि योगी सरकार हम लोगों की मांगों पे विचार करेगी, बहुत उम्मीद जो लेकर के आए थे और हम लोगों की आरटी जो है नियम के तहत 2007 में 2013 में जो नियुक्ति हुई है 7,000 मानदेय पे और उसके बाद भी हमारा जो है बीच में जो 8,470 रुपये हो गया था जिसको बाद में सरकार ने काट लिया है और उसके बाद जो 7,000 दे रही थी अब जो है 2,000 का लॉलीपॉप दे रही है जो हम लोगों को कतई नहीं जो मंजूर है। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि नियमितीकरण की मांग थी और हम उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ। जॉब गारंटी के लिए भी तो उन्होंने बोला है कि वो बात करेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग उस पर कोई कार्य योजना बनाएगा जॉब गारंटी के लिए। देखिए जॉब गारंटी तो हमारी पहले से ही थी, पहले से ही उसकी एक यही योजना थी कि हम लोगों का 11 माह जो मानदेय मिलता है और उसके बाद जो नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है। हम लोग एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, कृषि के विज्ञान के हैं, बीपीएड के हैं और जो कला के हैं, ये सब अपने जो है विभाग में काम करते हैं और जो है लेकिन सरकार हमारी एक भी मांग जो नहीं सुनी, हम जो है नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। धन्यवाद। आपका नाम, आप भी अनुदेशक हैं? नहीं नहीं, मैं आप अच्छा जी सर। 2,000 रुपए बढ़ाया, 7,000 था, 9,000 किया गया। 2,000 बढ़ाया, डूबते को तिनके का सहारा लेंगे तो है, लेकिन हम मैं एक चीज आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि 2,000 बढ़ाया लेकिन इससे पहले पूर्व 2 साल से हम लोगों का 1,470 रुपए काटा भी जा रहा है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2,000 से 1,470 आप घटाएंगे तो 530 रुपये हुआ। इसको बढ़ाना समझें या जो भी लॉलीपॉप समझें, हम लोग अब विरोध करें या जो भी करें, कुल मिला के हमारे लोगों की स्थिति ये है कि डूबते को तिनके का सहारा लेंगे तो है ही है, नहीं जाएंगे नहीं तो कहाँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर किसी भी माध्यम से मेरी बात उन तक पहुँचे तो मैं दोनों हाथ जोड़कर उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम लोगों ने रात दिन जुटकर बीजेपी सरकार के समर्थन में जो कसीदे गढ़े थे, बीजेपी सरकार बनाने के लिए रात दिन जगे थे, प्रयास किया था और माननीय पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था। और ऐसी कौन सी कमी हम लोगों में है या अनुदेशक पद की ऐसी कौन सी खता है, रसोइयों से भी बात कर लेते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम संगीता यादव है, मैं देवरिया जिला से चलकर आई हूँ। आप रसोइया हैं? जी मैं रसोइया। आप लोग के लिए आज मानदेय भी बढ़ाया गया, साड़ी देने का यानी जो ड्रेस है देने की बात की गई, क्या कहेंगे? ऐसा है सर कि मानदेय बढ़ाया गया है, हम लोग कुछ उम्मीद लेकर आए थे कि हमारी रसोइया हंसते हुए आई हैं कि योगी जी हमारी कुछ मांग पूरा करेंगे, लेकिन कोई रसोइया ऐसी नहीं है कि हंसते हुए घर जा रही हैं, सब दुखी हैं। क्या वजह? इसलिए दुखी हैं कि अभी अभी हम लोग को ये मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, तो हम लोग को बुलाकर 15 तारीख को यहाँ आश्वासन धराए थे कि हम रसोइया स्कूल में खाना बनाती हैं और 1500 रुपया दिया जाता है, उसमें हम लोग का पालन पोषण नहीं होता है। बताइए जब हम खाना बनाने के लिए चयन वहाँ पे किया गया है तो हमसे वहाँ झाड़ू लगवाया जाता है, लाइटिंग साफ करवाया जाता है, फील्ड झड़वाया जाता है और ताला खुलवाया जाता है और ताला बंद करवाया जाता है, तब हम लोग को घर भेजा जाता है। बताइए 1500 रुपया में हम लोग को क्या होगा? चलिए ठीक है 500 रुपया बढ़ाएँ, हम लोग इस पर भी मंजूर नहीं है। इसलिए मंजूर नहीं है कि वो हम लोग को आश्वासन ये दिए थे कि रसोइयों को पाल व्यवस्था पे रखा जाता है, जिसका बच्चा रहेगा वही खाना बनाएगा। मंत्री जी का हम लोग को कार्यक्रम लिए थे 15 तारीख को और बताए कि इसमें पाल व्यवस्था हम अपने तरफ से ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हम लोग को उम्मीद हुआ था कि चलिए हम लोग का पाल व्यवस्था ख़त्म हो गया और फिर ये बताया गया था कि जिसका बच्चा रहता है वही खाना बनाती है और 25 बच्चे पे एक रसोइया रहती है। ये सब हम लोग को आश्वासन धराए थे कि आप लोग की सारी मांग, चार मांग हम लोग को, पांच मांग थी, पांचों मांग कह रहे थे कि सारी पूरी हो गई है और यहाँ पे बस यही हुआ है कि 500 रुपया बढ़ाया जा रहा है। बताइए इससे हम लोग को क्या होने वाला है? आपका नाम? उषा गुप्ता। जिला लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष। आप बताएं क्या? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम लोग ये है
कि पहले तो कहते हैं विधवाओं प्रत्यागताओं को बढ़ता दी जाएगी, फिर उनसे कहा जाता कि उनका बच्चा, हम बताओ हर साल बच्चा कहाँ से अपना लाएंगे, गरीब हैं हम। लेकिन मानदेय पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी पाल व्यवस्था जो पहला नंबर हमारा था, पाल व्यवस्था हमको हटाई जानी थी, और कम से कम हम लोगों का कम से कम 200 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से मिलना चाहिए, यानी कि 6000 रुपया, कम से कम 6000, तो 500 में हम लोग का क्या होगा। अच्छे अच्छे जो नेता हमारे हैं उनकी 500 की एक चाय नहीं होती एक टाइम की, बताओ हम लोग अपना 1500 में हम क्या करेंगे बताइए। जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कि हम लोग बात करेंगे, बताया गया था कि कुछ रसोइयां अपनी बात यहां रखी जाए, मैं अपना हाथ उठाई थी कि मैं बात रखूंगी मंत्री जी के सामने, लेकिन हमारी बात नहीं कराई गई क्योंकि यहाँ मिली भगत थी, जो रसोइयों को कहा गया था कि आप बात करेंगे उन्हीं को ले जाकर बात मीडिया वाले कराए थे, हमारी बात नहीं कराई थी। तो यहाँ पर हमने अंतरिक्षकों और रसोइयों की बात सुनी, उनके लिए ऐलान भले ही बड़ा किया गया हो लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदें लेकर ये लोग आए थे, इनका साफ कहना है उनके अनुसार वो ऐलान नहीं है, और जो उन्होंने सोचा था, जो मानदेय की बात थी, जितना सोचा था उतना नहीं।